मैं प्रिया आपके साथ। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किला अलंगम में रविवार को एक सरकारी बार में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। हफ्ते भर पहले भी राज्य में जहरीली शराब पीने से दो घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई थी। तंजावुर कलेक्टर दिनेश पोनराज ने बताया कि मृतकों की पहचान विवेक और कुप्पू स्वामी के रूप में हुई है। कुप्पू स्वामी मार्केट में मछली बेचता था, वहीं कुप्पू स्वामी की भी बाजार में दुकान थी। रविवार शाम को दोनों तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड पर शराब पीने गए थे। शराब पीने के बाद वे अपनी दुकानों पर वापस लौटे और कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। हम दोनों को तंजावुर के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दिनेश पोनराज ने बताया कि शराब का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। यहां चेक किया जाएगा कि शराब में कोई जहरीली चीज थी या नहीं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। शराब का सैंपल लेने पहुंची अधिकारियों की टीम को लोगों ने बार में बंधक बनाने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।